हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉफी टू ऑल। तो आज जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, वो है पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ, जो मेहंदी लगे हाथ मैंने आपको दिखाए थे। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये एक्चुअली मेरा ब्रदर और उसका बेटा, यानी मेरा भतीजा, जिसकी शादी कनाडा में फिक्स हुई और यहाँ पे दिल्ली में, लड़की दिल्ली की थी तो वहाँ दिल्ली में आकर उन्होंने शादी करी है। तो मेहंदी हमारे घर में हुई थी। तो मेहंदी की हमारे में रस्म होती है कि जब लड़का हो या लड़की हो तो वो मेहंदी के हाथ अपने दीवार पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ दीवार हमने ऑलरेडी खुद पेंट कर दी हुई थी, तो यहाँ पे हमने करा था उसका मेहंदी का। तो उस टाइम मेरे पास कैनवस पड़ी थी, तो मैंने कैनवस पे उसके मेहंदी के हाथ लिए थे, मैंने एक मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, कि बड़े अच्छी प्यारी सी मेमोरीज हमारी बने। तो उस मेमोरीज को और कलरफुल करने के लिए मैंने जैसे कैनवस को लिया और उसमें मैंने उसके हाथ लगवाए थे, उसमें मैंने उसका पिक्चर ड्रॉ करा है। कोशिश करूँगी कि मैं उसकी पिक अच्छे से बना सकूँ, उसका चेहरा अच्छा सा बना सकूँ। कोशिश करूँगी, बड़े प्यार से बनाऊँगी, बड़े दिल से बनाऊँगी, तो अच्छी ही बनेंगी। तो आज मैं थोड़ा सा उसका टच शुरू कर रही थी, ड्रॉ मैं कर चुकी हूँ उसकी थोड़ी सी। तो ये मैंने कहा चलो आज मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था इसके बैक कलर क्या दूँ, क्योंकि उसका और कलरफुल हो जाए। अगर ग्रीन कलर या कुछ ऐसा देती हूँ, पूरा ज़्यादा डार्क कलर देती हूँ तो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा स्काई कलर ही उसके ऊपर देती हूँ। तो मैंने इस टाइम वाइट और ब्लू कलर मिक्स करके स्काई कलर दिया है। बाकी इसको दो तीन बार शेड देने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रही थी तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ से हम पहले इसको कलर कर रही हूँ ब्लू कलर से, ताकि उठाव आए, पूरा अच्छा सा लगेगा। और मैं अक्सर पेंटिंग करती हूँ तो कोई ना कोई म्यूजिक लगाकर ही करती हूँ। मैं थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक लगा कर ही मोस्टली रखती हूँ कि अच्छा लगता है। बहुत टाइम लगेगा अभी, और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। और बहुत ही अलग सी, क्योंकि इसकी शादी भी लॉकडाउन में हुई है, और लॉकडाउन में आपको पता ही है कितनी मुश्किलें आई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। बाहर से आए थे जैसे ही शादी में, 30 अप्रैल की और 1 मई का इसके फंक्शन थे, लेकिन 12 तारीख को ये आए हैं और 17 को लॉकडाउन हो गया, जिसके दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मुझे भी कोविड हो गया था, और इस वजह से वो मेरे पास भी नहीं आ पाए, और मेरे भतीजे को भी कोविड हो गया था। बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए ये बहुत कलरफुल और बहुत सारी ऐसी बैड मेमोरीज को भुलाने के लिए और अच्छी मेमोरीज को बनाए रखने के लिए, और अपनी लाइफ में कलर्स की कुछ कमी नहीं होनी चाहिए और खुशी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे भी खुश रहा जाए, खुश रहना चाहिए, मेरी कोशिश यही होती है। क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ों से निकल कर बाहर आते हैं, इतना सफ़र तय किया है जीवन का, तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अप डाउन्स आते हैं, तो लेकिन उनसे घबराना नहीं है, उनसे सीखना है और आगे निकलना है, हमें आगे चलना है, सफल रुकता नहीं है। अब ये एक टच मैंने ऊपर का इसको ब्लू कलर से दिया है ऊपर का,
और फिर इसकी आउटलाइन करनी है मेरे को ताकि वो मर्ज ना हो पिक्चर में, और मैं उसके बाद ये पिक्चर उसकी बीच में से निकालूंगी, पहले बैकग्राउंड इसकी सारी तैयार करूंगी जितनी कलरफुल होगी और जितना उतना खूबसूरत निकल के आएगा। स्टार्टिंग में ऑयल भी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो कैनवस के अंदर चला जाता है। वास का इस टाइम कोई काम नहीं है, इसलिए गाना एंजॉय कीजिए और पेंटिंग को एंजॉय कीजिए। ये डार्क ब्लू ले रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर अगर बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल से सीखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे टिप्स तो मैं दे सकती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत जर्नी है, तो उसमें इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं, और जिस एज ग्रुप में हूँ मैं वहाँ आकर काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर भी आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और बच्चों को बहुत नॉलेज है। यूट्यूबर बनाने में भी यही बच्चा है जिसने मुझे YouTube की आदत डाली और मुझे दिखाए बहुत सारे वीडियोस, और मुझे कहा नहीं हुआ आप कर सकते हो, आप करो अच्छा लगेगा मज़ा आएगा, और अब तब से गायब है और मुझे कुछ नहीं बता रहा है, और मैं उल्टे पुल्टे जो भी समझ आ रहा है बना रही हूँ और ऐसे ही। और ये बहुत अच्छा है, चलो घूमने जाएंगे इकट्ठे बनाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, और गायब है तब से क्योंकि शादी हो गई है इसलिए गायब है। चलो हम, मैंने भी कहा एंजॉय करो, पकड़ेंगे आपको। अब ये थोड़ा सिर्फ फर्स्ट टच दिया है मैंने अभी स्काई का, और मैं नहीं चाहती उसके हाथों में क्योंकि वाइट ही नीचे बेस थोड़ा रहेगा तो उसका हाथ का जो ग्रेस है वो रहेगा मेहंदी वाली मेमरीज, और नीचे भी मैं इसमें थोड़ा डार्क शेड ही दूंगी और थोड़ा सा ग्रीन इसका। अभी ब्लू इसलिए दे रही हूँ कि सिर्फ एक बेस देना है मेरे को नीचे का, तो ब्लू और ग्रीन येलो दूंगी, सारे शेड इसमें मिक्स होके आ जाएंगे। अभी सिर्फ फर्स्ट टच देना है मुझे नीचे। सब बच्चे अपने आप में बिजी हो गए हैं और मुझे काम लगा दिया कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि अब आपको लगातार कैसे दिखाया जाए कि टाइम बहुत लगता है इसमें, और इतनी लंबी वीडियो कोई भी इतनी देर बैठ के सिर्फ पेंटिंग बनते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि या तो मैं बता रही हूँ कैसे बनाते हैं कैसे, मैं तो जैसे बनाती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ आपको। और ये
तीनों चारों बच्चे की मैंने खूब क्लास लगानी है और आपसे मिलवाऊंगी भी उन सबसे जिन्होंने मुझे ये वीडियोस बनाए। और मुझे वैसे मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई है, जहाँ मैं अपना बहुत अच्छा इस टाइम मैं बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, म्यूज़िक भी सुन रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो ये तो बहुत बेस्ट चीज़ मुझे मिली है, उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मुझे अच्छे से बता नहीं रहे हैं, इसलिए गुस्सा भी हूँ और जल्दी से पकड़ के लाना है उनको मेरे को। या मुझे अपने आप ही बनाते बनाते ही सीखती जाऊंगी, जैसे बनाते बनाते पेंटिंग आ गई, थोड़ी सी चीज़ें सीखी और फिर शुरू हो गई। अब मैं इसकी आउटलाइन करूंगी, जो इसकी पिक्चर प्रॉपर पिक्चर है उसको निकालने के लिए, ताकि बीच में शेड मिक्स ना हो जाए और मेरी जो मैंने ड्रॉ किया है वो मर्ज ना हो जाए इसके अंदर। तो उसको निकालने के लिए मैं अब आउटलाइन करूंगी। तो कैसे दिखाऊं, तो धीरे धीरे, और उसको मैं छोटे ब्रश से करना है, आउटलाइन करनी है। चलो आउटलाइन करके मैं दिखाती हूँ फिर आपको, ओके। तो देख लेती हूँ, तो ये मैं आउटलाइन इसकी आउटलाइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। हाँ जी, ये जो पेंटिंग है ये मैंने अब इसकी आउटलाइन बना ली है, तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं। और ये है उसकी पिक, जिसको देख के मैं ये बना रही हूँ। और बाकी ये जो आउटर है वो तो सारा मैं अपने हिसाब से ही बना रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि कलरफुल बनाऊँ और मेरा प्यार नज़र आए इसके अंदर, तो उसी हिसाब से बड़े प्यार से बना रही हूँ मैं। और ये आउट लाइन जो मैंने अब कर दी है, टाइम लगेगा थोड़ा इसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से बनाऊं और जब वो कनाडा जाए तो अपने साथ लेके जाए मेरा प्यार, मेरा विश्वास। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको पेंट करते हुए बनाते हुए, तो उसको भी अच्छा लगेगा। जब कंप्लीट होगी तो मैं तब भी आपको दिखाऊंगी, और अगर हुआ तो मैं बीच बीच में आपको इसकी छोटी छोटी पिक्स दिखाती रहूँगी कि कितना मैंने करा का। टाइम मुझे काफ़ी लगता है इसको बनाने में, वो कलर कम्बिनेशन देते हुए शेड देते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सूखेगा। फिर आइज बनाने में मेन मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसकी पगड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अब जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी अच्छा सा जितना कलरफुल बना सके बनाऊंगी। वैसे मैं पिक देख के ही बनाती हूँ मोस्टली बैकग्राउंड ये वो, लेकिन इस बार मैं सिर्फ उसकी पिक ली है और बाकी आउटर सारा मैं अपने हिसाब से इमेजिनेशन से बनाऊंगी। तो कोशिश करूंगी अच्छा बनाऊं। तो अब ये वाली पिक, क्योंकि इसकी शादी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की प्रॉब्लम किसी को आए, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत प्यारी बहू आई है हमारी, बहुत प्यारा बच्चा आया है हमारे घर में। और तो वो मैं आपको पिक्स भी और इसकी शादी की फ़ोटोग्राफ्स भी इसकी पेंटिंग के साथ साथ अभी आपको सेंड करती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। तो बहुत अच्छा लगा इसकी, मैंने आपको इसके ही वेलकम की मैंने आपको पिक्स डाली थी, बहू रानी की भी डाली थी, अपनी बिटिया की भी डाली थी मैंने बेटे की, तो वो मैं आके भी आपको इसके साथ शेयर करती हूँ। और आप आज इसकी पूरी शादी को इंजॉय कीजिए। इसकी शादी की प्रॉब्लम तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको रिपीट करूँ, जो भी हो गया अच्छा हुआ, लेकिन शादी बहुत अच्छी हुई, बहुत प्यारा हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो मेहंदी को भी हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं सारी पिक्स आपको डालती हूँ, आप भी इन्जॉय कीजिए। घर बैठे हम कैसे इन्जॉय कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम बड़े मज़े से बड़े इन्जॉय करते हुए कर सकते हैं। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना।
चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना। ये जो सारी शादी की पिक्स डाली हैं और उसके शादी के जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो हमने एंजॉय करे, तो कुछ यहाँ हुए, कुछ मेरी दीदी के यहाँ हुए, कुछ लड़की वालों के हुए, तो वो सारी छोटी छोटी पिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा, तो अब आप भी एंजॉय करते हुए खुश होते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए और भी कलरफुल बनाइए, और भी कलर से भर जाए आपकी लाइफ इन दुआओं के साथ।